नेशनल न्यूज इंडिया 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश खिदमत है उत्तर भारत की कुछ खास खबरें। सरकार द्वारा जनता को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाओं का भले ही ढिंढोरा पीटा जा रहा हो, लेकिन कन्नौज जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दबंगों द्वारा पिटाई में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है, लेकिन जिला का चिकित्सालय में स्टाफ द्वारा उसका कोई इलाज नहीं किया गया और उसे मजबूरी में परिसर के ही एक फर्श पर पड़ा हुआ देखा गया। ये मामला कन्नौज जनपद के थाना कोतवाली गुरसहायगंज के जलालाबाद से है, जहां दो पक्षों की मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन जिला चिकित्सालय में उसका इलाज न होने से पीड़िता फर्श पर तड़पती हुई पाई गई। क्या नाम है आपका? सचिन। आप कौन है इनके? नहीं, आप कौन है इनके? दमान, दमान, दमान। क्या हुआ? कुछ नहीं, यहाँ डॉक्टर लोगों ने बाहर निकाल दिया अस्पताल से, और ये बोलते हैं कि आप इनको ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, चिट्ठी वगैरह लाए नहीं खाने से। क्या मारपीट का मामला था? हाँ, मारपीट का मामला। तो बाहर क्यों लिटाए थे? बाहर वो निकाल दिया, बाहर तो बाहर नहीं लिटाएंगे, फिर क्या घर पे ले जाएंगे? कितनी देर तक लेटी रहे वो? लमसम तो 2-2.5 घंटे हो गए। क्या बोला डॉक्टर ने? ये बोला कि आप थाने ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, फिर चिट्ठी वगैरह लिखवा के लाओ, आपको नियम कानून नहीं मालूम, कोई काम कायदे से नहीं, ये बोल रहे। कौन बोल रहा? यही डॉक्टर लोग।